Hello everyone, I am Deepika from Nursing Department from RPIIT College. Today topic is Carcinoma Cervix. Carcinoma Cervix kya hota hai? Cervix cancer develop in the lining of cervix, the lower part of the uterus that enter vagina. जो cervix cancer होता है वो कहाँ पे develop होता है? जो lining होती है cervix की वहाँ पे, और जो lower part होता है uterus का वहाँ पे. This condition usually develop over time. Cervical cancer is the सेकेंड मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी होती है वुमेन के अंदर, और फर्स्ट मैलिग्नेंसी कौन सी होती है? ब्रेस्ट कैंसर. कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? एचपीवी इन्फेक्शन हो सकता है. इन्फेक्शन विद एचपीवी यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है जो मेन कॉज करता है सर्वाइकल कैंसर को. ये किसकी वजह से होता है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से होता है. और नेक्स्ट क्या हो जाता है? लैक ऑफ रेगुलर पैप टेस्ट. इसमें हम पैप टेस्ट क्यों करते हैं? ताकि हमें एबनॉर्मलिटी का पता चल सके. नेक्स्ट है स्मोकिंग. स्मोकिंग की वजह से क्यों होता है? कुछ जो केमिकल्स होते हैं यानी कि जो कुछ इसमें क्या हो जाते हैं, कार्सिनोजेंस केमिकल्स होते हैं जो कि स्मोकिंग में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से हमें क्या हो सकता है, कार्सिनोमा सर्विक्स हो सकता है. वीक इम्यून सिस्टम की वजह से भी हमें कार्सिनोमा सर्विक्स हो सकता है. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन. फर्स्ट है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, सेकेंड है एडिनो कार्सिनोमा, थर्ड है एडिनोकैंथम. नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी क्या है? स्टार्ट कहाँ से होएगा? एचपीवी इन्फेक्शन से. एचआईवी इन्फेक्शन की वजह से ये स्टार्ट होएगा वहाँ से. और ये जो ये क्या होता है, ये एपिथिलियोट्रोपिक वायरस होता है. किस में इफेक्ट करता है? ये जो हमारा स्क्वैमस एपिथिलियम होता है उसको ये इफेक्ट करता है. और ये और कहाँ से स्टार्ट होता है? ये जो हमारी बेसल्स लेयर होती है वहाँ से स्टार्ट होता है. मोस्टली ये कहाँ पे फाउंड होता है? जो ट्रांजिशन जोन्स होता है सर्विक्स के अंदर वहाँ पे होता है. इसमें क्या होता है, ये कुछ वुमेन तो इसको इस वायरस को क्लियर कर देती है, लेकिन कुछ वुमेन्स में ये क्या हो जाता है, वायरस परसिस्ट हो जाता है. वायरस परसिस्ट होने की वजह से क्या हो जाता है, प्री इन्वेसिव चेंज हो जाते हैं. और प्री इन्वेसिव चेंज होने की वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इन्वेसिव चेंज में कन्वर्ट हो जाते हैं. इसका टाइम कितना होता है? 10 ईयर टू 30 ईयर्स होता है. नेक्स्ट है ग्रोसली. इट प्रेजेंट लाइक एंड अल्सरेटिव में भी प्रेजेंट हो सकता है. ये फंगस में भी या इनफिल्ट्रेटिंग मास इन्वॉल्व द एडजेसेंट वेजाइनल वॉल्स पे. द ट्यूमर यूजुअली अराइज कहाँ से अराइज होता है? जो हमारा ट्रांजिशन जोन्स होता है वहाँ से. और ये कहाँ पे इन्वॉल्व होता है? जो एक्टो सर्विक्स होती है वहाँ पे. हिस्टोलॉजिकली में क्या होएगा, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्यूमर इज स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा. जो मोस्ट कॉमन टाइप ट्यूमर है वो क्या है? स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है. और ये कहाँ पे, ये में भी क्या हो सकता है, ये कैरेटेनाइज स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है. कहाँ पे सिंथेसिस होएगा? ये जो कैरेटेनाइज और नॉन कैरेटाइज टाइप होते हैं विदाउट कैरेटिन से, वहाँ पे ये क्या होएगा, सिंथेसाइज होएगा.